ऑल इंडिया मतवल्ली एसोसिएशन की जानिब से उनके सदर सैयद इरफान शेर की क़यादत में शहजादी बेगम वक्फ इस्टेट के अहाते में 70वां यौम आज़ादी का जश्न पर बिनाई से महरूम 100 बच्चों के साथ बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया। और ये सब बच्चे लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड से थे। इन सब बच्चों को मटन के लॉजमास से नवाजा गया। आप लोगों को ये बताता चलूं कि मतवल्ली एसोसिएशन वक्फ प्रॉपर्टी के साथ इसके हकों और इससे जुड़े मसाइल के लिए आवाज़ उठाती है और इसके मसले को हल करती है। और आज यौम आज़ादी के दिन लोगों को ये पैगाम दिया कि हम सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें और किसी फिरका परस्ती का शिकार ना हो। आज के प्रोग्राम में हर मजहब के लोग शामिल थे, जहां पर सैयद इरफान शेर के साहबजादे सैयद सलमान शेर ने कौमी तराना पेश किया और लोगों को काफ़ी मुतासिर किया। रिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल धरि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जन जन मंगल दायक जय रे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हमारे लिए हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, इसलिए क्योंकि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को ये याद रहते थे कि हमारा देश के गुलामी से आजाद कैसे हुआ, लाखों लोगों की जान देने के बाद, कुर्बानियां देने के बाद लाखों लोग हमारे देशवासी जो है सूली पर चढ़ा दिए गए, काला पानी कर दिया गया, और क्या क्या जुल्म और सितम सहने के बाद आज ये देश हमारा आजाद हुआ। इसलिए ये बहुत उसकी आवश्यकता है कि हम तो हर साल जन्म और मरण दिन बनाते हैं, मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा जरूरी हमारे देश की इस आजादी की स्वतंत्रता दिवस मनाने की जरूरत है, क्यों कि इस दिन को हमें हमेशा के लिए याद रखना है कि हमारे पिछले जो लोग गुजर गए उन लोगों ने किस तरह जुल्म सहा और अपनी जान और अपनी कुर्बानी देने के बाद इस देश को आजाद किया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सबको इस दिन इस खुशी के दिन पे शरीक होना चाहिए